हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय शिव शंकर, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय भोले भंडारी, जय कैलाशपति, इसके साथ मुझ पर भी कृपा बरसाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ, घर छोड़कर शहर आ गया हूँ माँ का सपना पूरा करने। बस इतना मांगता हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखना, मैं तो कोई कमी नहीं रखूंगा, बस इतना कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तुझे तो राजकुमारी ही मिलेगी। माफ कीजिएगा, वो टीका मामा जी को लगाना था, गलती से आपको लगा दिया। तीन चार पांच, अरे क्या सोच रहा है उसके बारे में? उससे ब्याह करने का इरादा है। अच्छा है, सोच सोच, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। लेकिन एक बात बता दो, तुझे तभी मिलेगी छोकरी जब होगी रोटी और नौकरी। चली गई। बच्चों, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है, आज आप यहाँ? तुमसे कुछ काम था इसलिए आया। माँ के लिए चिट्ठी लिखवानी है? हाँ, चिट्ठी तो लिखवानी ही है, तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बोलिए ना। पहले आप गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, बात तो होती रहेगी। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखा ना, हिचकी बंद करवा दी ना मैंने। मेरी माँ कहती है अगर किसी को हिचकिया आए और उसे रोकना हो ना, तो उसे कुछ ऐसा कह दो जो सुनकर उसे धक्का लग जाए। आप भी ना। मैं तो स्टाइल ही ऐसा है मैडम, हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वैसे मैंने जो भी कहा वो सिर्फ तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए नहीं कहा। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है, उसे छुपाना गलत बात होती है। दिल में कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, जो भी दिल में है उसे फटाक से बोल देना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। मैंने तो अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, तुम्हें अभी के अभी जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, कहाँ गया? ये लो, ले लो। क्या है, और इस पर हल्दी क्यों लगी हुई है? आप इसकी पूजा वूजा करके लाए हैं क्या? ये प्रेम पत्र है और मेरे लिए प्यार ही पूजा है। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। लिखा हुआ है ना, अगर तुम भी मुझसे दिल से प्यार करती हो ना, तो तुम इस कोरे कागज में मेरे दिल की बात आराम से पढ़ सकती हो। पढ़ लेना।